आज के इस प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम एक सुपर स्मूथ स्लो मोशन इफेक्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए हम टाइमलाइन में ये एक क्लिप डालते हैं और इसको हम प्ले करके देखते हैं। नॉर्मल तरीके से जब हम स्लो मोशन इफेक्ट बनाते हैं तो टाइम रिमैपिंग की सहायता से बनाते हैं। तो जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे इसकी स्पीड को चेंज करके, तो हम इसकी स्पीड ड्यूरेशन सेट करते हैं। यहाँ पे जो 100% है इसको हम 20% पे सेट करते हैं और ओके प्रेस करते हैं और अब हम प्ले करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो नॉर्मल तरीके से हम स्लो मोशन इफेक्ट बनाते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि फ्रेम्स एक दूसरे को काट रहे हैं, स्मूथ स्लो मोशन नहीं बनता है। कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं और इसको नॉर्मल सिचुएशन में लाते हैं। अब हम इफेक्ट्स मेन्यू को ओपन करते हैं और यहाँ पे हमें ये जो वीडियो इफेक्ट्स है इनमें टाइम फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे जो टाइम रेप है इस इफेक्ट को हमें सेलेक्ट करके इस पर ड्रॉप करना है और यहाँ पे हम इसके इफेक्ट्स कंट्रोल में देख सकते हैं। इसमें ये जो मेथड है यहाँ पे तीन ऑप्शन है, होल फ्रेम्स, फ्रेम मिक्स और पिक्सल मोशन। पिक्सल मोशन वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट है और ये अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन फिर भी अगर कभी किसी क्लिप में आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले तो आप फ्रेम मिक्स भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो स्पीड है बाय डिफ़ॉल्ट 50% सेट है, लेकिन हमें सुपर ड्रामेटिक स्लो मोशन इफेक्ट क्रिएट करना है तो हम इसकी स्पीड को 20% पे सेट कर देंगे। अब ये एक इंटेंस इफेक्ट है तो यहाँ पे हम टाइमलाइन के ऊपर रेड लाइन देख सकते हैं, तो इसको हमें रेंडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एंटर प्रेस करते हैं और रेंडर शुरू हो जाता है। अब हम इसको प्ले करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कंसिस्टेंट स्मूथ रिजल्ट शो हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम ये एक क्लिप और लेते हैं और इस पे हम सेम टाइम रेप इफेक्ट अप्लाई करते हैं और स्पीड यहाँ पे इसकी हम 20 पे सेट करते हैं और मेथड पिक्सल मोशन ही रखते हैं और एंटर प्रेस करके इसको रेंडर करते हैं। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रोड पे ये जो इफ़ेक्ट है ये थोड़ा ग्लिची इफ़ेक्ट दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे फ्रेम मिक्स और अब हम इसको रेंडर करते हैं। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेकंड क्लिप में पिक्सल मोशन के बजाय ये जो फ्रेम मिक्स है ये बेटर रिजल्ट दे रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने क्लिप पे फ्रेम मिक्स या पिक्सल मोशन दोनों में से कोई भी इफेक्ट ट्राई कर सकते हैं और इस प्रकार से आप
सुपर स्मूथ स्लो मोशन इफेक्ट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ के इसकी ट्यूनिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप मोशन ब्लर भी इफेक्ट भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।